26 जनवरी 2020 गणतंत्र दिवस पर भाषण। आदरणीय गुरुजनगण, मेरे प्यारे भाई बहनों और हम सभी को पता है कि आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। हम यहाँ भारत का 71 गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। इस खुशी के मौके पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि भारत ने 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी और इसके लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिनों बाद 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया था। इसी दिन से भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था। पहली बार राष्ट्रसभा को ड्राफ्टिंग कमेटी ने 4 नवंबर 1947 को संविधान पहली रूपरेखा तैयार की गई थी। 26 जनवरी 1950 को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में राष्ट्रसभा द्वारा भारतीय संविधान की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसी दिन से यानी 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान अस्तित्व में आया था। तब से आज तक प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई थी, जबकि भारत का इतिहास बहुत बड़ा है। भारत को गणतंत्र देश इसलिए कहा गया क्योंकि देश के सर्वोच्च शक्ति को चुनने का अधिकार केवल देश की जनता के पास है। जहां देश की जनता अपना नेता प्रधानमंत्री चुन सकती है, भारत में पूर्ण स्वराज के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि आने वाली पीढ़ी को कोई संघर्ष न करना पड़े और वो इस भारत जैसे बड़े देश को आगे लेकर जा सके। हमारे देश के महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत की आज़ादी में अंग्रेजों के खिलाफ लगातार संघर्ष करके हमें आज़ादी दिलाई, इन महान नेताओं को समर्पण को हम कभी नहीं भूल सकते। इसी अवसर पर हम इन नेताओं को याद करते हैं और उन्हें सलामी दी जाती। जबकि हर साल एक भव्य मार्च फास्ट इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक आयोजित की जाती। इस मार्च फास्ट में भारतीय तीनों सेनाओं वायुसेना, नौसेना, थल सेना द्वारा अपना कर्तव्य दिखाया जाता है। इस समारोह में भाग लेने के लिए देश के सभी हिस्सों से राष्ट्रीय कैडेट कोर व विभिन्न विद्यालयों से बच्चे भी भाग लेते हैं। मार्च फास्ट शुरू होने पर भारत के प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति को पुष्पमाला पहनाते हैं। इसके बाद शहीद सैनिकों की स्मृति में 2 मिनट मौन रखा जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया जाता है। इसके बाद सामूहिक रूप में खड़े होकर भारतीय राष्ट्रीय गान गाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 3 रंग व 24 बराबर तीलियों के साथ बीचों बीच में एक चक्र है। राष्ट्र ध्वज के सभी 3 रंगों का अपना अपना अलग अलग अर्थ है। सबसे ऊपर फर्स्ट केसरिया रंग जो देश की मजबूती और हिम्मत को दिखाता है। सेकंड मध्य में सफेद रंग जो शांति को प्रदर्शित करता है। थर्ड सबसे नीचे का हरा रंग जो वृद्धि और समृद्धि का सूचक है। तिरंगे के मध्य 24 तीलियां वाला एक नेवी रंग का चक्र है जो महान सम्राट अशोक के धर्म को प्रदर्शित करता है। इसके बाद विभिन्न राज्यों की प्रदर्शनी भी होती है। प्रदर्शनी में हर राज्य के लोगों की विशेषता, उनके लोकगीत व कला का प्रदर्शन किया जाता है। इस मार्च फास्ट का सीधा प्रसारण टेलीविजन पर किया जाता है जिससे दुनिया के प्रत्येक कोने में देखा जाता है। जबकि भारत के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण को सुनने के लिए लाखों की भीड़ लाल किले पर एकत्रित होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।